दोस्तों ये दौर था 305 BC के प्राचीन भारत का। इस समय भारत पर मौर्य वंश का शासन था। इस समय भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और कला को बढ़ावा देने में मौर्य वंश का अहम योगदान रहा है। और इसी वंश के हिंदू राजाओं के कारण भारत इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देश था। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहना था उस समय भारत भ्रमण पर आए ग्रीक इतिहासकार और राजदूत मेगास्थनीस का, जो 300 BC के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई सालों तक शामिल होने के लिए भारत आया था। और इस दौरान उसने भारत के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को काफी गौर से समझा और अपनी बुक इंडिका में इसके बारे में लिखा था। इसलिए ये 2300 साल पुरानी बुक आज भी दुनिया भर में भारत के इतिहास को समझने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की झलक मेगास्थनीस द्वारा लिखी गई किताब के द्वारा ही दिखाने वाले हैं। आज आपको 2300 साल पुराने भारत के दर्शन कराने वाले हैं। आखिर कैसा था उस समय का भारत, तो चलिए शुरू करते हैं। मेगास्थनीस लेखक तो था ही, उसके अलावा वह यूनान का एक राजदूत भी था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस यूनान के राजदूत ने भारत के इतिहास के बारे में क्यों लिखा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचा। अब सेल्यूकस सिकंदर का प्रमुख सेनापति था, इसलिए सिकंदर ने अपने जीते हुए राज्य बेबीलोन का शासक सेल्यूकस को बना दिया था। और उस समय तक सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उस समय के राजा हमेशा अपने राज्य के विस्तार के बारे में सोचते थे, इसलिए वे कभी भी किसी भी राज्य पर आक्रमण कर देते थे। ऐसे ही सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने की नीति बनाई। उस समय भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक महान सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य इतने ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए थे क्योंकि वे भारत के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफलता हासिल की थी। इसी के चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सभी अलग अलग स्वतंत्र राज्यों को एक साथ जोड़ने की भूमिका निभाई और भारत देशों को एकजुट कर एकता के सूत्र में बांधा। तो चलिए जानते हैं सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध में किसकी विजय हुई थी। सिकंदर की मौत के बाद सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, इसलिए सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उसको शायद पता नहीं था कि वह किस से युद्ध लड़ने जा रहा है। जब सेल्यूकस का सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ तो उसे इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के हेरात, कंधार, काबुल और पेमियाई राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस भीषण युद्ध के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करी। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दे दिए। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। सेल्यूकस इस युद्ध के बाद भारत के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, इसलिए सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को एक पुस्तक लिखने के लिए कहा जिसके अंदर भारत की संपूर्ण स्थिति का अच्छे से वर्णन किया गया हो। इसलिए मेगास्थनीस ने कई सालों तक भारत भ्रमण किया और भारत की उस समय की हर एक स्थिति का वर्णन अपनी किताब में किया जिसका नाम इंडिका है। मेगास्थनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में उस समय के भारत की भौगोलिक स्थिति का ऐसा वर्णन किया है। मेगास्थनीस ने लिखा कि भारत एक चतुर्भुज के आकार का देश है जो दक्षिण और पूर्वी तरफ से महासागरों से घिरा है और सिंधु नदी देश के पश्चिम व उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है जहाँ तक समुद्र फैला है। इसके अलावा भारत में कई बड़ी नदियाँ भी है जो अपनी उत्तरी सीमा पर स्थित पहाड़ों से निकलती है। इनमें से कई नदियाँ आगे चलकर गंगा नदी में समा जाती है और फिर ये नदियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलती है। मेगास्थनीस ने इंडिका में लिखा कि भारत में बहुत सारी नदियों के जाल है जिसकी वजह से वहाँ पर कृषि के लिए प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वहाँ पर कभी भी फसल की कमी नहीं होती है। इसके बाद मेगास्थनीस ने भारत की वनस्पति और जीव जंतु के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत में हर तरह के फलों के पेड़ वाले कई पहाड़ है, इसलिए भारत में बहुत बड़ी संख्या में पशु प्रजातियाँ पाई जाती है। मेगास्थनीस ने भारत में पाए जाने वाले हाथियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के लड़े गए इस युद्ध में हाथियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस समय भारत में हाथियों को पालतू बनाया जाता था और युद्ध के लिए ट्रेन किया जाता था। जैसा कि आप जानते हो कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस कारण मेगास्थनीस ने अपनी पुस्तक के जरिए भी बताया। उसने लिखा कि भारतीय भूमि पर सोना, चांदी, तांबा और लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसके अलावा टिन और अन्य धातुओं का उपयोग कई उपकरण, हथियार, गहने और अलग तरह के साधन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में उपजाऊ मैदान है और यहाँ तक कि भारत में सिंचाई का व्यापक रूप से अभ्यास भी किया जाता है। मेगास्थनीस ने इंडिका में कई कारणों का भी वर्णन किया है जिसके कारण उस समय भारत में कोई अकाल नहीं पड़ सकता था। उसने लिखा कि भारतीयों को हमेशा दो मौसमी फलों में से एक का आश्वासन दिया जाता है। वहाँ पर उगाए जाने वाले फल और खाद की जड़ों की बहुत सारी संख्या उपलब्ध थी,
इसके अलावा उस समय भारत के योद्धा कृषि और पशुपालन वाले लोगों को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे और उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। हालांकि मेगास्थनीज के इंडिका में लिखे हुए ये वचन कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ सकते, यह एक तरह से गलत साबित हुए, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लिखित सोहगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख में उस समय पड़े तत्कालीन अकालों का भी जिक्र किया गया है। अब चलते हैं उस समय की भारत की सामाजिक स्थिति पर। भारत अपने बड़े आकार के कारण भारत में कई विभिन्न प्रकार की नस्लों का निवास था, जो सभी स्वदेशी थे। मेगास्थनीज का कहना है कि उस समय भारत में कोई भी विदेशी उपनिवेश नहीं होता था, क्योंकि उस समय भारत में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे भोजन, बढ़िया पानी और शुद्ध हवा, और उस समय सभी लोगों के साथ सम्मान व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उस समय कोई भी गुलाम प्रथा नहीं थी। इंडिका किताब के अनुसार भारत के समाज को 7 भागों में बांटा गया था। पहला था दार्शनिक। इन जातियों को भारत की प्रमुख जातियों में गिना जाता था। भारत के सभी सार्वजनिक कर्तव्य में दार्शनिकों को विशेष छूट दी जाती थी और इनको देवताओं का सबसे प्रिय माना जाता था, यहाँ तक कि इन्हें भविष्यवाणी भी करना आता था। सेकंड नंबर पे थे किसान। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय किसानों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, इसलिए सभी जातियों में किसान को अधिकांश महत्व ही दिया जाता था। इसका एक मुख्य कारण ये था कि क्योंकि उस समय फसल का बहुत ज्यादा महत्व था, इसलिए किसान अपनी उपज का 1/4 हिस्सा राज्य के खजाने में भेजते थे। इसके बाद इसमें रखा चरवाओं को। ये जाति गांव और कस्बों के बाहर तंबू को गाड़ कर रहती थी और इनका काम था फसल को नष्ट करने वाले पक्षियों और जानवरों का शिकार करना या उन्हें जाल में फंसाना। चौथे नंबर पर कारीगर। इन जातियों का काम था कि किसानों और अन्य लोगों के लिए हथियारों के साथ साथ उपकरण को बनाना। उस समय इन कारीगरों को सरकारी खजाने में कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ता था और यहाँ तक कि उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सरकार की रहती थी। पांच नंबर पर उसने रखा सैन्य व्यवस्था को। उस समय सैन्य व्यवस्था को 6 समितियों में बांटा गया था, जिनमें पैदल सेना, रथ सेना, घुड़सवार सेना, हस्ती सेना, नौसेना, रसद सेना शामिल थी। अब जानते हैं प्रशासन के बारे में कि मेगास्थनीज उस समय भारत के प्रशासन के बारे में क्या लिखता है। उसने लिखा कि उस समय भारत में विदेशियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था और यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता था, जिससे उन विदेशियों को कोई भी नुकसान न पहुँचाए और अगर किसी ने उन विदेशियों को परेशान किया तो उसके लिए कठोर दंड दिया जाता था। इस तरह मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक के जरिए भारत के उस समय की सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक स्थिति को बताने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेगास्थनीज ने इस पुस्तक के अंदर जो भी कहा बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से विदेशियों ने भारत के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी है, जिनमें एरियन, स्ट्रेबो, डियोडोरस और प्लिनी ने भी अपनी पुस्तकों में भारत के ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर अपनी भाषा में लिखा है। इससे आप सभी को पता लग गया होगा कि भारत पहले से ही पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुका है। कई देश ऐसे हैं जो भारत के इतिहास से प्रेरणा लेते हैं।